Hey guys, my YouTube channel. मैं आपकी प्यारी सी अर्चना आज बिग बॉस के अंदर क्या हुआ है वही सब मैं आपको बताऊंगी तो आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बिग बॉस में बहुत ज्यादा इमोशनल वाले सीन हो गए थे क्योंकि क्योंकि कुछ ऐसे आज क्योंकि आज नॉमिनेशन का दिन था तो सबने एक दूसरे को नॉमिनेट किया तो इसीलिए बहुत ज्यादा इमोशनल का माहौल हो गया था तो वही सब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले किसने किसको नॉमिनेट किया तो सबसे पहले तो सबसे पहले नेजी और रणवीर सर ने चंद्रिका मैडम को नॉमिनेट किया दूसरे नंबर पर आते हैं वो लव है और सना मबूल है इन दोनों ने मिलकर नेजी ट किया the Sai... so, for the... the... output... और जो तीसरे नंबर पे आते हैं चंद्रिका और शिवानी ने मिलकर मुनीषा को नॉमिनेट किया है अब जो फोर्थ नंबर पे पे आते हैं और इन दोनों ने मिलकर किसी किसी को को भी भी नहीं नहीं किया किया एक बात ये है कि जब इन्होंने तो बिग बॉस ने पोलि को यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया था क्योंकि किसी ने किसी को तो नॉमिनेट करना ही था तो बिग बॉस ने पोलि को नॉमिनेट किया था और अब जो है साई और सना सुल्तान ने यहाँ पे शिवानी को नॉमिनेट किया है इसके अलावा अरमान और दीपक ने विशाल को नॉमिनेट किया जब जो लास्ट में आते हैं कृतिका और अरमान में एक ही ऑप्शन रखा हुआ था अरमान का कि अरमान को घर से बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए तो कृतिका कहती है कि नहीं अरमान को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए अरमान को सेव कर लेना चाहिए जबकि विशाल कहता है कि विशाल भी बाद में मान जाता है और वो अरमान को सेव कर लेते हैं तो अब जब ये लोग मिलकर सारे मतलब उठ बाहर जाते हैं तो मुनीषा जी को पता नहीं क्या हो जाता है वो बाहर जाती है काफी इमोशनल हो जाती है रोने लगती है विशाल की वजह से कि विशाल को मैंने बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की पर मैं कुछ कर नहीं पाई तो वो काफी इमोशनल हो जाती है और विशाल ने उनको काफी समझाया भी कि भाई ये सब गेम का हिस्सा है और ये ये सब तो हर रोज होना ही है तो विशाल ने उनको काफी समझाया फिर तो वहाँ पे सना नॉमिनेट नहीं करना चाहती थी रणवीर किया है फिर भी वो सेंसिटिव हो जाता है। और जिसका सना मकबूल को बहुत ज्यादा और जब वो नेजी वहां से चला जाता है तो फिर सना मकबूल बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो इतनी ज्यादा रोती है कि रोते रोते उसको उल्टी होने लगती है मतलब वोमिटिंग होने लगती है और उसको चक्कर आने लगते हैं तो सब उसको के अंदर लेके जाते समझाते हैं कि ये सब तो होता ही रहता है क्योंकि एक ना एक दिन को यहां से जाना है तो ये सब गेम के एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और बस आज बिग बॉस में यही होता है क्योंकि आज बिग बॉस के घर में काफी इमोशनल का दिन था तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ था बस नॉमिनेशन हुआ था बाकी और ये रोना धोना जो भी था ये सब हुआ था तो गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय